आज की पूजन में सर्वप्रथम पंचांग पूजन, गणेश पूजन, वरुण पूजन, षोडश मातृका पूजन, सप्तघृत मातृका पूजन इत्यादि का पूजन किया गया और समस्त मंडल जो बने हुए यहाँ पे समस्त मंडलों का पूजन किया है। आवाहन पूजन हम लोगों ने सभी ने किया है और दो वास प्रतिदिन कर रहे हैं। आज प्रातःकाल हम लोगों ने गंधादि वास किया और उसके बाद इस समय धूपादि वास किया। इस प्रकार सप्तदिवसीय प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी यहाँ रखा हुआ है और हर दिन दो वास यहाँ किए जा रहे हैं। प्रतिदिन पूजन आरती इत्यादि प्रतिदिन किया जा रहा है। विश्वनाथ भगवान की जय। भगवान की असीम कृपा से शिव मंदिर प्रांगण में राजा रामचंद्र जी की भव्य प्रतिष्ठा प्रचलित संपादित हो रही है। उसमें हमारे कैलाश जी जो यहाँ के पुरोहित हैं एवं मठाधीश हैं उनके जो है अध्यक्षता में कार्य संपन्न हो रहा है और हमारे इधर जो गुरुजी हैं उपस्थित जो बनारस से पधारे हुए हैं उनका ही बहुत बहुत मैं साधुवाद करता हूं और विशेषकर हमारे जो यजमान लुधियाना से पधारे हैं उनको भी मैं बहुत बहुत साधुवाद करता हूं और भगवान राजा रामचंद्र जी उनके परिवार में अखंडता एवं सुख संपदा अचल बनाए रखें। जय जय श्री राम। सर मैं करण सूद पुत्र श्री दीपक कुमार सूद पूरे शहर वासियों नु शनिवार नु आंदा और दिन होता थे अज अपने दिन हो गए तीन। शनिवार नु सर आखिरी दिन है उस तो बाद भंडारा ते प्लस सारी पूजा वगैरह शनिवार नु होएगी ते मैं पूरे सूद परिवार नु संडे नु होएगी पूरे शहर नु मैं अपना सद्दा देना कि अपना सारे दिन नाल आना है ते उरे आके अपना सहयोग देना। शिव मंदिर दशहरा ग्राउंड सरन शहर मैं आज श्री राम दरबार की प्रतिष्ठा तीसरे दिन का पूजन संपन्न हुआ। मैं पंडित कैलाश व्यास पुजारी शिव मंदिर दशहरा ग्राउंड आज राम दरबार की स्थापना का तीसरा दिन संपन्न हुआ। ये अनुष्ठान राम दरबार सूद परिवार की तरफ से पधारा शिव मंदिर दशहरा ग्राउंड में पधारा जा रहा है। मास्टर स्वर्गीय रघुवर दयाल जी के याद में राम परिवार की स्थापना उनके परिवार और उनके पुत्रों के द्वारा शिव मंदिर दशहरा ग्राउंड में कराई जा रही है। दिन रविवार नु संपन्न प्राण प्रतिष्ठा होगी, भजन कीर्तन होगा, लंगर भंडारा का आयोजन सूद परिवार की तरफ से कराया जाएगा। आप सभी को शहरवासियों को सादर निमंत्रण है सभी टाइम से आके पहुँच के इस यज्ञ में पुण्य के भागीदारी बने।